हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टेक इंडियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी बिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जीएसटी क्या है और वो भी कुछ मिनटों में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि जीएसटी क्या है। दोस्तों मैं कोई अकाउंटेंट या फिर सीए तो नहीं हूँ जो कि आपको छोटी छोटी बारीकियों से मैं समझा पाऊँ और टेक्निकल टर्म्स में आपको बता पाऊँ इस जीएसटी बिल की क्या है। और दोस्तों अगर मैं ऐसे ही बताना चाहूँ तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन शायद उन लोगों को समझ में ना आए जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोगों को बहुत आसानी से मैं एक छोटे से उदाहरण से बता पाऊँ कि जीएसटी क्या है। और दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी क्या है, चाहे आप पढ़े लिखे हों या आपको नॉलेज हो उस बारे में या फिर नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक वादा करना होगा कि जिन भी लोगों को समझ में आ जाएगा जीएसटी क्या है वो ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हो सके तो कमेंट करके मुझे बताना चाहें कुछ तो बता सकते हैं। और दोस्तों एक काम और करना होगा, आपको इस वीडियो को शेयर भी करना होगा, तो मेरे लिए ये फीस होगी एक तरीके से। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे तो मैं समझूंगा कि जिन भी लोगों को समझ में आया कि जीएसटी क्या है और जिन भी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी वो लोग ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी से वो लाइक कर गए हैं और कमेंट कर गए हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको जीएसटी के बारे में। दोस्तों जीएसटी एक टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप इनकम टैक्स जो है आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नगद पे करते हैं, और जैसे कि मान लीजिए हाउस टैक्स हो गया वो भी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नगद पे करते हैं। तो ये तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप लोग डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप लोग कोई वस्तु खरीदते हैं उसके अंदर वो टैक्स इंक्लूड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई टी शर्ट खरीदते हैं, तो 500 रुपये की टी शर्ट खरीदी है आप, तो बस दुकानदार को 500 रुपये दे आते हैं और बिल ले आते हैं, तो लेकिन उस 500 रुपये के अंदर वो जो काफ़ी सारे टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि एक दुकानदार गवर्नमेंट को देता है या फिर वो मैन्युफैक्चरर जिसने कि उस टी शर्ट को बनाया है, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसका डायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं, जिसमें कि वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये काफ़ी सारी हो जाती हैं। इस चीज़ से कॉस्ट जो है हमारे प्रोडक्ट की वो बहुत बढ़ जाती है। अब जीएसटी आ जाएगा तो ये सारे टैक्स जो है इनडायरेक्ट हट जाएंगे, और तो इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक ही रह जाएगा, वो रह जाएगा जीएसटी। तो उससे जो मैंने रिसर्च करी है और पढ़ा है इंटरनेट पर और जिन भी लोगों से सुना है उस बारे में, तो मैंने यही सुना है कि उससे जो है फ़ायदा ही होगा, उससे कुछ चीज़ों की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, यानी कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो दोस्तों एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी क्या है और अब जो टैक्स लगता है वो क्या है। दोस्तों मान लीजिए आप एक टी शर्ट खरीदते हैं और उस टी शर्ट पर आप तो बस बिल बनवाते हैं और 5% जो है वैट पे कर देते हैं और उसको घर ले आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने 5% टैक्स पे किया, लेकिन दोस्तों उसके पीछे जो हिडन टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो काफ़ी होता है, यानी कि 20-25% तक टैक्स ही होता है उसमें। तो वो जो टैक्स है उनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, और वो टैक्स किन किन टैक्स के ऊपर टैक्स लग के डबल हो जाता है, तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है, वो भी आपको नहीं पता चलता। अब दोस्तों जो आपने टी शर्ट ली है वो मैन्युफैक्चरर ने जब बनाई है, कहीं से कपड़ा खरीदा, कहीं से मशीनें खरीदी और दूसरे स्टेट में ले गया, तो दूसरे स्टेट में ले जाने का पहले उसको टैक्स लगा। अब दोस्तों वो उसने बनाई, उसके बाद उसने रिटेल पर भेजी, अब वहाँ पे रिटेलर ने भी टैक्स भरा, अगर किसी और स्टेट में चली गई तो वहाँ पे अलग से स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगा। अब उसके बाद आप लोगों ने खरीदी तो दोस्तों वहाँ पे आपने भी टैक्स पे किया, तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के टैक्स हो गए और इसके बीच में कई सारे टैक्स बन जाते हैं कुछ चीज़ों पर, तो उससे क्या होता है वो कॉस्ट जो है चीज़ की बढ़ती जाती है। और अब जब पहली चीज़ पर टैक्स लगा, दूसरी चीज़ पर फिर दोबारा से टैक्स लगा, तो टैक्स पर ही टैक्स लगता है, तो डबल टैक्स हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए जीएसटी बिल को लाया गया है। जीएसटी बिल अभी लॉन्च तो नहीं हुआ है मगर हो जाएगा जल्द ही। तो अब जो है अलग अलग टैक्स नहीं लगेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर को अलग एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ी
और फिर रिटेलर को अलग से सेल्स टैक्स भरना पड़ा, या फिर इम्पोर्ट टैक्स उसको अलग से भरना पड़ा, या फिर जिसने भेजा है उसको एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़ा। तो अलग अलग टैक्सेस से जो है बच जाएंगे, और सेंटर ने अलग टैक्स लगाया था और गवर्नमेंट ने अलग टैक्स लगाया था, तो उन सब की पॉलिसीज से गुजर कर जो है प्रोडक्ट आपके पास आता है और वहाँ पर भी वैट लग जाता है। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी जिनको सिंपल करने की कोशिश की गई है। अब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स पे करना होगा, GST, यानी कि वो कुल मिला के जो होगा उसकी एक एवरेज परसेंटेज निकाली जाएगी। तो मान लीजिए पहले काफ़ी सारे अलग अलग 10%, 20% और 5% ऐसे ऐसे टैक्स लग के आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता था, तो अब वो जो है डायरेक्ट आपको एंड में एक टैक्स लगेगा GST, जो कि डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, शायद 18% लगेगा, और कुछ प्रोडक्ट्स पर जो है ज़्यादा भी लग सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 28% तक लग सकता है। लेकिन दोस्तों जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे दूध, ब्रेड और अंडे, जैसे कि रोज़ खाने पीने की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर जो है टैक्स का अलग स्लैब बनेगा, उस पर कम टैक्स लगेगा। तो इससे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और काफ़ी हद तक पारदर्शिता रहेगी हर काम में, और इससे जो है गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। इससे जो है टैक्स के दायरे में लोग आ जाएंगे, वो भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जितने कि लोग पहले टैक्स पे नहीं करते हैं उन सभी लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर का भी। तो मोटा मोटा यही समझ में आता है कि जब एक प्रोडक्ट पर 5-6 जगह अलग अलग तरह से सेंटर और स्टेट के टैक्स लगते थे, वो अब नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज टैक्स होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, GST, और उसकी एक परसेंटेज डिसाइड हो जाएगी कि भाई इतने परसेंट टैक्स लगेगा, तो उतने परसेंट टैक्स लगेगा। अब वो जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बांट लेंगे उसको, तो वो हमारी सरदर्दी नहीं है। तो हमें यही समझना था GST क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि GST क्या है। आपका कुछ क्वेश्चन हो या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोज़ आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।